IPL 2018 विराट कोहली एक दफा फिर अपनी टीम के लिए मैच विनिंग इनिंग्स खेलने में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप और एक आसान सा मैच जीतने से मुकम्मल तौर पर काजी। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। IPL 2018 के 39वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए RCB को सिर्फ 147 रन का हदफ दिया था और कहीं ना कहीं विराट कोहली के फैंस को लग रहा था कि RCB ये हदफ आसानी से चेज कर लेगी और एक वक्त था जब बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि RCB ये मैच आसानी से जीत लेगी और विराट कोहली बड़े उम्दा तरीके से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की 5वीं बॉल शकीबुल हसन ने विराट कोहली को कुछ इस तरह से डाली कि विराट कोहली इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सके और बॉल बल्ले का बरौनी किनारा खाते हुए हवा में उछली तो यूसुफ पठान ने सुपरमैन की तरह कैच लपककर विराट कोहली की इनिंग्स का खात्मा कर दिया। इस तरह विराट कोहली 30 बॉल खेलकर एक छक्के और 5 चौकों की बदौलत सिर्फ 39 रन ही बना पाए और IPL 2018 में अपनी बैटिंग के जरिए अपनी टीम RCB को अभी तक एक मैच भी जितवाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ये विराट कोहली और उनके फैंस के लिए काफी मायूसकुन बात है। विराट कोहली जो क्रिकेट में काफी ज्यादा अपनी बैटिंग की वजह से मशहूर हैं और उन्होंने इस IPL में स्कोर्स तो बनाए हैं, लेकिन उनकी जिस तरह से क्लास है वो उसको बिल्कुल भी रिप्रेजेंट करने में टोटली तौर पर नाकाम हो रहे हैं। यहाँ तक के विराट कोहली जिनके बारे में कहा जाता है कि कोहली को चेज पसंद है, वो इस IPL में अपनी बैटिंग के जरिए एक मैच को भी चेज करने में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं, जो कि विराट कोहली और उनके दुनिया भर में फैंस के लिए बहुत ही मायूसकुन बात है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। शुक्रिया।